हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल और इंडियन यूट्यूबर शौरांजलि में आपका वेलकम है। और अभी टाइम हो रहा है इवनिंग के 5 o'clock। तो मैं आज आपके साथ दो रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। एक तो मैं टोमेटो सूप बनाने वाली हूँ और दूसरा गाजर का हलवा। सो गाइज, आपने देखा होगा कि गाजर का हलवा तो मैंने नेक्स्ट वीडियो में भी आपको दिखाया था। गाजर कसी हुई रखी हुई थी मेरी, लेकिन गाजर कसी हुई तो रखी थी लेकिन मैंने हलवा नहीं बनाया क्योंकि वो सारी की सारी गाजर मेरी खराब हो गई थी पता नहीं कैसे। फिर मैंने सोचा कि कैसे हो सकती है, मैंने उसको एक दिन पहले ही कद्दूकस करके रख दिया था। तो प्लीज़ गाइज, आपके साथ ऐसा ना हो इसलिए मैं आपके साथ ये बात शेयर कर रही हूँ। तो प्लीज़ अगर आप हलवा बनाने वाले हैं तो गाजर को हल्के हल ही कद्दूकस करें। जिस टाइम आप बनाएंगे उससे थोड़े टाइम पहले आप कर सकते हैं, लेकिन एक दिन पहले बिल्कुल भी ना कीजिएगा। तो आज मैंने सोचा कि मैं टमाटर सूप की रेसिपी आपके साथ शेयर करती हूँ। सर्दी का मौसम है तो टमाटर सूप तो सबको ही पसंद है, कौन नहीं पीना चाहता है सर्दी के मौसम में। तो आज मैं टमाटर सूप और गाजर का हलवा दोनों ही आपके साथ शेयर करूंगी। तो देखती है टमाटर सूप, सबसे पहले मैं टमाटर का सूप बनाती हूँ, उसके लिए किस किस चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी मुझे। तो फ्रेंड्स, यहाँ मैंने लिए रेड रेड कलर के टमाटर और इनको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है। और हमको रेड कलर के टमाटर ही चाहिए जिससे कि टमाटर सूप का कलर बहुत ही अच्छा आता है। और यहाँ मैंने लिया है 1 इंच अदरक का टुकड़ा और ये है 2 हरी मिर्च और ये है 7 से 8 लहसुन की कलियाँ जिनको मैंने पील कर लिया है और अदरक को भी मैंने पील कर लिया है। ये है 4 से 5 करी पत्ते, ये है 1 गर्म मसाले का पत्ता और ये है 1 अनियन जिसको मैंने रफली चॉप कर लिया है। और इसी के साथ यहाँ है 1 टेबल स्पून काली मिर्च, 1 टेबल स्पून भुना हुआ जीरा पाउडर, 1 टेबल स्पून काला नमक, ये है 1 टेबल स्पून शुगर, ये है 1 टेबल स्पून नमक, लेकिन हम स्वाद के अनुसार नमक भी ले सकते हैं, और ये 1 टेबल स्पून कॉर्न फ्लोर जिसको कॉर्न स्टार्च भी बोलते हैं, और ये है वाइट ब्रेड। फ्रेंड्स, इसके साथ हम ब्राउन ब्रेड भी ले सकते हैं लेकिन मेरे पास अभी वाइट ब्रेड था तो मैंने ये वाला ब्रेड ले लिया। और ये है 1 टेबल स्पून घी। इसके अलावा हम बटर भी यूज़ कर सकते हैं तो मैंने अभी घी लिया है। तो फ्रेंड्स, यही मैं डाल देती हूँ इसमें 1 टेबल स्पून से थोड़ा सा कम घी। हमारे हाथ अच्छे से वॉश होने चाहिए तो इसमें मैं डाल देती हूँ 1 टेबल स्पून घी। अब मैं इसमें डाल दूंगी गर्म मसाले का ये पत्ता। और इसमें डाल दूंगी ये करी पत्ते। के बाद डाल दूंगी मैं इसमें ये लहसुन की कलियां, रफली चॉप करके डाल दिया है मैंने इनको क्योंकि हमें इनको मिक्सर में चलाना है तो इसलिए मैंने सारी सब्जियों को रफली चॉप किया है। और साथ में डाल दूंगी ये अदरक का टुकड़ा। फिर डाल दूंगी मैं इसमें ये रफली चॉप की हुई अनियन और ग्रीन चिली। इसे भूनना है थोड़ी देर तक के लिए।
चलाते जाना है थोड़ी थोड़ी देर पर। और फ्रेंड्स मैं आपको बताना भूल गई थी, अगर आपके पास गाजर है तो हम एक गाजर को इसको पील करके वॉश करके और इसमें हम डाल देंगे। तो ये मैंने डाल दी इसमें एक गाजर, अगर आपके पास है तो आप डाल सकते हैं, अगर नहीं है तो नहीं भी डालेंगे कोई बात नहीं। तो इसमें मैंने गाजर डाल दी है, गाजर को भी थोड़ा सा भून लेते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स मैंने सारे टमाटर को रफली चॉप कर लिया है, तो मैं इनको भी अब इसके साथ में डाल देती हूँ। और इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा नमक, टमाटर गलने के लिए थोड़ा सा हम बाद में डालेंगे। फ्रेंड्स अब इस स्टेज पे हम इसमें डाल देंगे पानी, डाल दिया पानी और इसको हम अब पकने के लिए छोड़ देंगे और इसे हम ढक देंगे। गैस को मीडियम रखें। फ्रेंड्स इसे हम बीच बीच में देखते जाएंगे कि ये पक गए हैं या नहीं पके हैं अभी, तो अभी ये थोड़े से और पकेंगे। इसे पकने में मिनिमम हमें 10 से 15 मिनट चाहिए। तो 2 से 3 मिनट के बाद तो अब ये पूरी तरह से पक गए हैं, इसको पकने में 2 से 3 मिनट ही लगे हैं और ये पक गए हैं। अब हम यहाँ गैस बंद कर देंगे और फ्रेंड्स हमें इस पानी को फेंकना नहीं है, हम इसको छान लेते हैं। तो मैं इसे छान लेती हूँ इस चम्मच की सहायता से। इससे पानी को हम फेंकेंगे नहीं, अभी रख लेंगे, फिर इसे बाद में देखती हूँ। और इसे हम ऐसे एक बाउल में छान लेंगे। गाइस सर्दियों के मौसम में टमाटर सूप बहुत अच्छा लगता है और हेल्दी भी होता है हमारी सेहत के लिए। तो फ्रेंड्स इसे मैंने छान लिया है और इसको भी हम निकाल देंगे और इसका यूज अब नहीं करेंगे, इसे साइड से रख देंगे और इसे हम एक मिक्सर जार में डाल देंगे और इस पानी को हम फेंकेंगे नहीं अभी, इसको हम रख देते हैं। तो फ्रेंड्स इसको मैंने एक मिक्सर जार में डाल दिया है और अभी हम थोड़ा सा इसको ठंडा होने देंगे, फिर हम इसको पीस लेंगे।
तो फ्रेंड जब तक वो हमारा पेस्ट जब तक ठंडा हो रहा है तब तक मैं इसके पीसेस कर लेती हूँ चौकोर चौकोर ब्रेड के। जिसे हम पीसेस में कट कर लेंगे। इसके इस टाइप से हम पीसेस कर लेंगे और रखते जाएंगे। और फ्रेंड्स इसे हम डीप फ्राई भी कर सकते हैं, और मैं इसको डीप फ्राई नहीं करूँगी, मैं इसे सैलो फ्राई करूँगी। ये सूप के साथ बहुत टेस्टी लगते हैं। तो मैं सारी ब्रेड के ऐसे ही सारे पीसेस कर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स ये सारे पीसेस मैंने कर लिए हैं, अभी ने मैं सैलो फ्राई करके रख लेती हूँ। तो मैंने यहाँ एक तवे को रख लिया है और गैस ऑन कर दी है, और इसमें मैं डालूँगी थोड़ा सा घी 1 टीस्पून घी, और इसे पूरे में से रैप कर दूंगी। और अब ये पीसेस को मैं ऐसे इन पे रख दूंगी। गैस हमें सिंपल ही रखना है। और इन्हें अच्छा क्रिस्पी होने तक हमें सैलो फ्राई कर लेना है। तो फ्रेंड्स यहाँ देखिए मैंने इसको भी पीस लिया है पेस्ट को, और अब मैं इसको छान लूँगी। तो मैं ये दूसरे बाउल में इसको छान लूँगी इस तरह से। इससे हम इसको छान लेंगे, और छानने से हमारी एक स्मूथ प्यूरी बन के तैयार हो जाएगी। तो मैं इसे छान लेती हूँ। तो ये फ्रेंड्स देखिए मैंने इसको पूरा अच्छे से छान लिया है, और ये है मेरी प्यूरी, और ये है जो पानी हमने छाना था, वो पानी भी मैंने बचा कर रखा हुआ है। तो अब मैं आगे आपको बताती हूँ करना है क्या। अब फ्रेंड्स हमें क्या करना है, इस प्यूरी को हमें वापस से इस कढ़ाई में डाल देना है। इस पानी को भी इसमें ही ऐड कर देंगे, क्योंकि सारा फ्लेवर इस पानी में ही है, तो हम इस पानी को भी ऐड कर देंगे। सारा पानी डाल देंगे हम इसमें। और
और अब इसको हम बॉईल आने देंगे। फ्रेंड्स मैंने इसको एक बार ही छाना है तो मेरा अच्छा स्मूथ आ गया था। और अगर आपकी मोटी छलनी है तो आप 2 बार भी इसको छान सकते हैं। मेरी छलनी की जाली जो है वो पतली है, डबल लेयर है उसमें, तो मैंने एक बार ही इसको छाना है। तो फ्रेंड्स जो मैंने छाना था उसमें ये पल्प बचा हुआ था, तो इसको मैं फेंकूंगी नहीं, इसका यूज़ मैं कर लूँगी, क्योंकि इसमें टमाटर अदरक मिर्ची सभी कुछ है, तो मैं इसको सब्जी में यूज़ कर लूँगी, इसे मैं फेंकूंगी नहीं। तो फ्रेंड्स अब हमें इसमें करने हैं अपने मसाले ऐड। तो मैं इसमें डाल रही हूँ 1/2 टीस्पून ये काली मिर्च का पाउडर, आधा टी स्पून जीरा पाउडर, और 1 टी स्पून शुगर। फ्रेंड्स इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है और इसका कलर भी बहुत अच्छा हो जाता है सूप का। और मैं इसमें डालूंगी 1/2 टी स्पून काला नमक, और स्वाद अनुसार नमक। तो फ्रेंड्स नमक थोड़ा संभल कर ही डालें, क्योंकि मैंने नमक पहले भी ऐड किया था और काला नमक भी डाला है, तो अब मैं इसमें थोड़ा सा ही नमक डालूंगी। और अब हम इसे चला देंगे। और अभी आप देख सकते हैं कि सूप मेरा कितना पतला है। तो इसके लिए मैंने जो कॉर्न स्टार्च लिया था, कॉर्न फ्लोर 1 टी स्पून, कॉर्न स्टार्च लिया था 1 टी स्पून, तो इसको मैं पानी से घोल लूंगी। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि चीनी डालने से कितना अच्छा उसका टमाटर सूप का कलर आया है, ये देखिए, बट अभी पतला है। तो मैं इसमें डालूंगी कॉर्न फ्लोर जिसे मैंने पानी से घोल लिया है, ये देखिए। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी कॉर्नफ्लोर, चलाते हुए ऐड करना है हमें। और देखिए कितनी अच्छी इसमें थिकनेस आ जाएगी कॉर्नफ्लोर डालने से ही। हमें ज़्यादा नहीं डालना है कॉर्नफ्लोर को, हमें नेचुरली रखना है अपने सूप को। तो मैंने सिर्फ 1 टीस्पून डाला है। और अब इसे हम बॉईल होने देंगे। और सूप थोड़ा सा फ्रेंड्स हमें पतला ही अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं अच्छा लगता। तो अब इसमें बॉईल आने लगा है, तो इसे मैं 5 मिनट के लिए और बॉईल होने दूंगी। तो फ्रेंड्स 5 मिनट के बाद देखिए अब मेरा सूप बिल्कुल परफेक्ट है। और अब हमें इसमें कुछ नहीं डालना है, बस इसको मैं बाउल में निकाल लूंगी और ऊपर से क्रीम से या धनिया पत्ती से सर्व कर दूंगी। इसमें हम क्रीम भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने अभी क्रीम नहीं डाली है। और फ्रेंड्स यहाँ देखिए हमारे ये ब्रेड भी कितने अच्छे से क्रिस्पी हो गए हैं, ये देखिए आपको आवाज़ आ रही है। तो बिल्कुल सिंपल मैंने गैस रखी थी, तो ये भी मेरे तैयार हैं और सूप भी तैयार है। तो फ्रेंड्स देखिए मैंने सूप को बाउल में निकाल लिया है और मैंने डेकोरेट भी कर दिया है थोड़ा सा, और यहाँ ये ब्रेड भी मैंने निकाल दिए हैं, और देखिए कितने क्रिस्पी हैं। तो ये बहुत ही टेस्टी बनता है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स फाइनली मेरा सूप बनकर तैयार है और मैं तो कर रही हूँ इसको एंजॉय। और आप भी इस रेसिपी को ट्राई कर सकते हैं और बताना मुझे कि आपको कैसा लगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मैं दूसरा वीडियो बनाने वाली हूँ अभी, जिसमें मैं दूसरी रेसिपी डालूंगी गाजर के हलवे की, तो वो भी देखिएगा। हेलो फ्रेंड्स,
तो आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, और अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे मेरे नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।